आज हमारा रोज़ा बहुत अच्छा। ये देखे जी, डेढ़ घंटे का तभी सफर तय करके आने के लिए आए हुए हैं। ऊपर पहुंचाया और गाय को कर दिया आजाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप हमारा चैनल देख रहे हैं चिकोलाइटी ब्लॉगर। आज सातवां रोज़ा है और सुबह में जागूँ, नमाज़े तहज्जुद पढ़ी है, उसके बाद आपके भाई ने सैरी की है। सैरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ के अभी हमारी ऊपर से गाय वगैरह जो है पहाड़ में थी वो नीचे आ गई है। रोज़ा रख के उनको छोड़ने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि दोस्तों के साथ भी हम ये शेयर करते हैं। ठीक है, आज सुबह सुबह रोज़ा पक्का होने वाला है क्योंकि अभी हमने जाना है पहाड़ में गाय को लेके। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू यूज़र है चैनल आज भी सब्सक्राइब करें और ये व्लॉग फुल देखें, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तकरीबन हल्का हल्का अंधेर रही है। ठीक है, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम अभी निकलने लगे हैं गाय वगैरह को छोड़ने के लिए। अच्छा जी, ये दो गाय, ये ऊपर से आई है, ये आई है ये, और एक ये गाय इन तीनों को ऊपर छोड़ने जा रही है जी। या जी, हम जा रहे हैं अभी पहाड़ पे छोटी गाय को लेके ऊपर छोड़ने के लिए। और अभी यहाँ पे सुबह के 6:20 हो चुके हैं जी। नज़ारे चेक करो जी सुबह दिया रोन का। अभी हम तकरीबन बनी के पास पहुँच आए हैं। ये गांव से थोड़ा ऊपर की तरफ है, दरबार से पहले ये बन पे हम पहुंच आए हैं जी। और यहाँ बन के साथ कब्रिस्तान है, अल्लाह पाक साहब के दर्जात बुलंद करे, इस रमज़ान मुबारक के सदके सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। अभी हम दरबार के पास पहुँच आए हैं। ठीक है, और दरबार के साथ रोड है ऊपर जाने की, तो वहाँ से गुजरेंगे और दुआ भी मांगेंगे। ये जी, हमने दोनों बांधी हुई थी लेकिन इसने रस्सी तोड़ दी है, वो काली काली गाय ने। ये रस्सी देखो, मोरक टूट गया जनाब, लेकिन हमने उसको खोल लिया ताकि फिर ऊपर मसला ना बने। अगर साथ रह जाए ना रस्सी, तो फिर ये जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं ना, इनके साथ अटकने का चांस होता है और नुकसान होता है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे साथ साथ दुआ भी मांग लेते हैं, अभी दुआ करते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। बाबा दिन ये देखे जी, ये भी दरबार के साथ नीचे की तरफ रोड जा रही है। ये कच्ची रोड है, ये माल मवेशी का रास्ता है। पहले यहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते थे लेकिन यहाँ पे आगे पानी की काफ़ी सेम है, मीन्स के ऊपर सर है, सर बोलते हैं पानी का एक तालाब है जो यहाँ से लोग, यहाँ जो हमारे इलाके के लोग हैं वो वहाँ पे पानी वगैरह भरने के लिए, पीने का पानी इस्तेमाल के लिए आते हैं। उसकी सेम लगी हुई है नीचे, जिसकी वजह से यहाँ से पहले ट्रक गुजरा करते थे लेकिन अब ये रोड तब्दील हो चुकी है जनाब, पैदल चलने वाले बंदे ही यहाँ से गुज़र सकते हैं। आपको ये चीज़ भी दिखाते हैं जी, ये देखें जी, मैंने बोला था कि ऊपर पानी की सेम लगी हुई है और ये देख सकते हैं आप, ये जी सेम लगी हुई है पानी की। और यहाँ से पहले ट्रक गुजरते थे लेकिन अब सेम की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं गुजर रही, क्योंकि सेम की वजह से ये जितना भी है ना नीचे, ये तोता मिट्टी का नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये अभी इधर नरम मिट्टी हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है सातवां रोज़ा है और हम रोज़ा रखे ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो सब लोग दुआ कीजिएगा कि आज हमारा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई होती है और जब बंदा ऊपर चलता जाता है आस्ता आस्ता थकन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्यास भी लगती है लेकिन हम ना उम्मीद नहीं हुए, रोज़ा रखा हुआ इसीलिए, क्योंकि रोज़ा छोड़ना नहीं है,
तो बस ये भी काम साथ साथ ज़रूरी होता है। बाकी सबसे सब लोग दुआ कीजिएगा कि सही सलामत हम ऊपर जाएं। अभी हम नीचे बन, ये नीचे ज़मीनें हैं तकरीबन, इसको कहते हैं बन। इधर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के वो ऊपर वाले नुक्कर की तरफ जाना है। ये कैमरे में थोड़ा सा सफ़र लगता होगा, लेकिन ये सफ़र बहुत लम्बा है, तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। अभी इस पथरीले रास्ते से हम गुज़रते हुए यहाँ से पहाड़ का एरिया स्टार्ट हो चुका है, और ये जी हमारे पहाड़ की पहली बुत्ती है, इसके बाद नेक्स्ट बुत्ती आएगी। ठीक है, ये आप लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं हम रास्ते का व्यू भी, और आहिस्ता आहिस्ता हमारा सांस फूलना भी शुरू हो चुका है जी। ये जी अभी हम नीचे ही हैं, ये पहाड़ ही रास्ता स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ये जी सारा पहाड़ी रास्ता है, और ये पीछे हमारे गाय के कौ हैं, साथ भाई भी है छोटा, मैंने एक कौ को पकड़ा हुआ है। ये देखे जी इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, ये पथरीला रास्ता है जी। ये जो होते हैं ना पत्थर, पत्थर के दरमियान में से बनाया गया रास्ता ये, अगर थोड़ा सा बंदा स्लिप हो जाए तो वो बहुत अजीब किस्म का गिरेगा नीचे। ठीक है, और ये ऊपर बिजली का खंभा लगा हुआ है, ये जो बिजली की लाइन है ये जा रही है मायने, जो कोयले की मायने ना ऊपर, उस तरफ ये बिजली की लाइनें जा रही हैं। ये देखें जी ऊंचाई शुरू हो चुकी है, ये जो सड़क है नीचे की तरफ ये ऊपर आ चुके हैं, अभी हमने और ऊपर की तरफ जाना है। ये ट्रक वगैरह की सड़क है, जो ट्रक वगैरह कोयला लादने के लिए माइनों की तरफ जाते हैं ये उनके लिए बनी हुई है, और ये पैदल ऊपर जाने वाले का रास्ता है। वो रास्ता भी है ठीक है, लेकिन वो लंबा रास्ता है। ये भी है ठीक है, लेकिन ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन है शॉर्ट। ये भी हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, ये नीचे से ऊपर की तरफ रोड जा रही है। ये एक बुत्ती है, इसके बाद 3 बुतियाँ हमने क्रॉस करनी है, इसके ऊपर चढ़ के 3 बुतियाँ हमने क्रॉस करनी है। ये जी सुबह का मंजर है हमारे पहाड़ का, बड़ा प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है, पर सुकून है यहाँ पे जगह। वो नीचे जो ज़मीनें हैं नज़र आ रही हैं, सबसे पहले मैंने उसका नाम लिया था कि बन, बन में अभी मौजूद है, अब काफ़ी सफ़र तय करके ऊपर की तरफ आ चुके हैं जी। अभी हम आगे सड़क में एंटर हो जाएंगे, और थोड़ा रास्ता जो है वो जो ट्रक वाला रास्ता है उस रास्ते से तय करेंगे। ये नीचे जो मकान नज़र आ रहे हैं ये मायने हैं, कोयले की मायने हैं जनाब, और यहाँ से आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा, वो ग्रीन कलर में दरबार था जहाँ से हम गुज़र के आए हैं, काफ़ी ऊपर पहुँचाए हैं जी। और ये जो सामने ऊपर बुत्ती है, उस बुत्ती के ऊपर हमने अपने गाय वगैरह को छोड़ के आना है जी। ये अब ऊंचाई हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, चेक करें जी, जो माल मवेशी है वो भी बड़े आराम आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ये ऊंचाई है, इसमें बंदे की थकन हो जाती है, और जो गाय वगैरह होती है उसके भी बस हो जाती है। और जैसे जैसे हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं जनाब, हमारा सांस फूलता जा रहा है, और सुबह के टाइम हमें पसीना आता जा रहा है,
अभी फुल हम थक चुके हैं जनाब। वो ऊपर जो नज़र आ रहा है पहाड़, उसके ऊपर जाना है हमने, उसके पीछे। ठीक है जी, ये सामने एक बूटी जी हमने क्रॉस कर ली है, इसके बाद ऊपर इधर ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारे गांव का नीचे नज़ारा है, काफ़ी ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये नीचे जी विलेज का नज़ारा देखें, काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच आए हैं। ये नीचे की तरफ भी माइनस बनी हुई है और हम अभी दूसरी बुत्ती भी क्रॉस करने वाले हैं, और वो जो ऊपर वाली बुत्ती है ऊपर, वो तीसरी बुत्ती, और तीसरी बुत्ती के पीछे जाना है हमने। ये ट्रक वाली सड़क, अभी हम फिर शॉर्ट रास्ते पड़ जाएंगे, क्योंकि ट्रक वाला जो रास्ता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, हम उस बत्ती की तरफ जाएंगे। यहाँ कैमरे में नज़र तो आती है कि ये थोड़ी करीब है, लेकिन ये दूर बहुत है। अभी जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं, नज़र आ रहा है ये काफ़ी दूर पड़ती है। ये रास्ता जा रहा है ट्रकों के लिए, और ये जा रहा है जी पैदल रास्ता। हम इस रास्ते पे जाने लग पड़े हैं। इधर पहले मैं काफ़ी बाहर आया हूँ लकड़ी वगैरह लेने के लिए रमज़ान से पहले, लेकिन अभी रमज़ान का महीना है और रोज़ा भी रखा हुआ है, तो ऊपर सिर्फ गाय वगैरह नीचे गई है उसकी वजह से आया है, लेकिन ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम नीचे होके फिर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे जनाब। ठीक है, अभी जो पहाड़ का आखिरी जगह है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। हाँ जी, और ऊपर की तरफ से नीचे का व्यूज़ दिखाया आपको। दोस्तों आखिरकार असी 1.5 घंटे का तवी सफ़र तय करके उस बुत्ती कोल पहुँचने वाले हैं जनाब। चेक करो है बुत्ती है, ऐ बुत्ती की गल हो रही थी जनाब। इस बुत्ती के पिछली साइड से पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, इतने असी पहुँच आए हैं जनाब। हूँ साढ़ा सानू प्यास बहुत लग गई है, लेकिन आस्ता आस्ता भी आए हैं, प्यास भी लग गई है, लेकिन और कोई नहीं, ऊपर जाकर रेस्ट भी कर लाँगे थोड़ा देर, ताकि रोज़ा ठंडा हो जाए, फिर वापस जावांगे ग्रां की तरफ। ठीक है, जिस जिस बंदे नू साड़ा व्लॉग अच्छा लगा हुए और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़। वापसी की वीडियो मैं एक नवा व्लॉग अपलोड कराँगा, उस दे विच लासां। ठीक है, इस टाइम असीं वापस जावांगे, ये माल मवेशी छोड़ के थोड़ी देर असी उपर रेस्ट करांगे। ए चेक करो जी, हुण तुहानू साडा ग्रां बड़ा दूर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, असी काफ़ी उत्ते पहुँच आए हैं जी। ये जी ऊपर कोयले की माइनें आए हैं और ऊपर की तरफ हम पहुँच आए हैं जनाब। ये जी बहुत प्यारा माहौल है ऊपर का। ये जी हमने गाय को छोड़ दिया और एक गाय पकड़ी हुई है, ताकि बड़ी गाय मिले, ताकि निज़ाम बने।
ये जी ऊपर पानी वगैरह डालने के लिए आए हुए हैं, नाड़े से पीने का पानी डाल के जाते हैं यहाँ पे सन ऊपर। अभी हमने ऊपर पहुँचाया और गाय को कर दिया आज़ाद और ये ऊपर की तरफ अभी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।